हमारे टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हमने ये कंसीडर करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, जब वो एक ऐसे रीजन के अंदर मूव करेगा कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो उस चार्ज पार्टिकल के मोशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हमने इस चीज़ को इस टॉपिक में देखना है। देखिए, अज्यूम करें हमारे पास ये एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इसे हम शो करते हैं क्रॉस से। ये हमने देखा था पहले कि क्रॉस का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इस रीजन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपगेट कर रही हैं, यानी इनवर्ड्स जा रही हैं। अगर यहाँ क्रॉस हो, डॉट का मतलब क्या है कि इस रीजन से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक चार्ज पार्टिकल है से क्यू, जब वो इस रीजन से बाहर है तो उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन जब इस रीजन के अंदर वो आएगा, वो इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पे वो पार्टिकल पहुंच गया है। अब क्या होगा, अब इस पे फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगी जो कि इसको एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करवाएगी। हम ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू आई एल बी या आई एल क्रॉस बी। ये था एक स्ट्रेट करंट कैरियंग वायर के लिए जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी, करंट के फ्लो ऑफ मल्टीपल चार्जेस। लेकिन हमने यहाँ बात करनी है सिंगल एक चार्ज के लिए, तो ये फार्मूला ट्रांसलेट हो जाएगा और ये फार्मूला बनेगा हमारे पास F इज़ इक्वल टू क्यू, यानी करंट की जगह पे आ गया सिंगल चार्ज क्यू, लेंथ की जगह पे आ गया इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जिससे ये फ्लो करके इस रीजन की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है तो ये बी बी ही रहेगा। ये फार्मूला बन जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल, यानी फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल ये भी बन सकती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगली बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। हम यूज़ करेंगे इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, ये जा रही हैं इनवर्ड्स, तो F B I यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट था, यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे इसको V या इसकी वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, ये फर्स्ट फिंगर शो करिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जो कि इनवर्ड प्रोपगेट कर रही है, और ये शो करिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जो कि इस रीजन की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये जो फोर्स है इस पर एक्ट कर रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में या राइट एंगल पर या इसके टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट बेसिकली क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन जो टच करेगी सर्कल को सिंगल एक पॉइंट पे एट राइट एंगल, यानी जो फोर्स डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ये यानी इस चार्ज पार्टिकल को फोर्स मूव करवाएगी इस टेंजेंट की डायरेक्शन में। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ पहुंच गया इस पॉइंट पे, अब दोबारा क्या होगा, इस पे दोबारा यही फोर्स एक्ट करेगी लेकिन दोबारा टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो क्या होगा, अब ये चार्ज पार्टिकल पहुंच गया इस वाले पॉइंट पे, अब क्या होगा, इस पे दोबारा यही फोर्स एक्ट करेगी दोबारा राइट एंगल के ऊपर इस तरह से, तो टेंजेंट। अब क्या होगा इस पॉइंट के बाद, दोबारा इस पर ये फोर्स एक्ट करेगी एट राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट में, दोबारा ये रिजल्ट में क्या होगा, इसका जो पाथ है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ बन जाएगा। किस कंडीशन में, जब ये एंगल होगा 90 डिग्री, फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन में इस पर एक्ट कर रही होगी और इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रही होगी। इसको अज्यूम करने के लिए आपको आप अज्यूम कर लें कि हमने एक पत्थर को बांधा एक स्ट्रिंग के साथ, उसको हम यूँ रोटेट कर रहे हैं या उसको हम यूँ मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी वो हम टेंजेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। यहाँ भी एग्जैक्टली वही सेम कंडीशन इसके अंदर आ रही है, फॉर
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फोर्स हमारे पास आ जाएगी क्यू वी बी, क्योंकि ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इस पे एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो और हमें पता है कि इसका पाथ सर्कुलर है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसे हम लेंगे ओमेगा से, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन, इसे क्वेश्चन नंबर टू, हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, हमें मिल जाएगा इधर क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हम यहाँ पुट कर देंगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमें मिलेगा क्यू आर ओमेगा बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब क्या होगा, ये आर इस आर से कैंसल, ये आर इस आर से कैंसल, ओमेगा इस ओमेगा से कैंसल, ये आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ, लिहाजा ये बन जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू क्यू बी बाय टू पाई एम। यानी इसका मतलब क्या है कि जब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर एंटर होगा और वो मूव करना स्टार्ट करेगा सर्कुलर पाथ में, जब उस पर फोर्स एक्ट कर रही है 90 डिग्री एंगल के ऊपर, तो वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा और वो मूव करता रहेगा सर्कुलर पाथ के अंदर। इसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि f इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो t हो जाएगा 1 बाई एफ, टाइम पीरियड इसका आ जाएगा 2 पाई m बाय क्यू बी। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, जबकि इसका एंगल 90 डिग्री का होगा। फॉर एनी अदर एंगल बिटवीन 90 एंड 0 डिग्रीज, इसका पाथ सर्कुलर नहीं रहेगा, इसका पाथ हो जाएगा स्पायरल, यानी इस तरह मूव कर सकता है ये, या इस तरह मूव कर सकता है, या किसी भी और तरह के पाथ में मूव करेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंगल, लेकिन ये इस तरह का सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, ये सिर्फ तब होगा कि जब इसका जो एंगल है कि 90 डिग्री का होगा। लेकिन फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने इस एंगल 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर लिया है। तो ये फोर्स होगी जो कि एक्ट कर रही होगी एक चार्ज पार्टिकल पे, जब वो एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर, और उसको वो फोर्स मूव करवाएगी उस रीजन के अंदर किसी एक पाथ के अंदर, स्पाइरल के अंदर या इस तरह के सर्कुलर पाथ के अंदर।